हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जो रेसिपी बताने जा रही हूँ वो मेरी मम्मी के हाथ की बनी हुई रेसिपी है, और सारी रेसिपी आपको मम्मी बनाकर दिखाएंगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आगे की रेसिपी देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं माँ के हाथ की बनी हुई गोभी आलू की सब्ज़ी। तो मम्मी ने सबसे पहले गोभी आलू को काट लिया है, आलू को पूरी तरीके से पील नहीं किया है। आलू को भी काटने के बाद वो धनिया को अच्छी तरीके से साफ़ कर रही हैं, और धनिए की जो रूट्स होती हैं जो हम लोग फेंक देते हैं वो उसको भी साफ़ करके डाल रही हैं। जो रूट्स हम फेंक देते हैं वो रूट्स मम्मी जो है वो सब्ज़ी में डालती हैं। चलिए तो चलते हैं मम्मी के साथ सब्जी बनाने। इसमें ये डंडी हम इसलिए डालते हैं कि इसमें डंडी इसलिए डालते हैं ना, धनिया का जी लोग कई लोग फेंक देते हैं, इसमें स्वाद बढ़ जाता है। जैसे ये है, थोड़ा ये तोड़ के डाल दो ऐसे। ये हरे धनिया की डंडी है जी, और अदरक को है ना, अदरक और इसको कितने कर लो, थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें, साथ में मक्खी भी फूट देते हैं और खाई जाए ना खाई जाए। खोल के उठ जाएंगे ना, तो आपकी रेसिपी का ये राज है। ये कुटा हुआ अदरक, ये नानी वाली रेसिपी है। अच्छा, गजब। और ये आपने आलू का बहुत है ना, बहुत थोड़ा सा ये करें, इसका वो निकल जाता है, घर निकल जाता है। चल, ये क्या डाला है आपने? हींग का पानी। हींग का पानी, हाँ, थोड़ा सा नमक, थोड़ा नमक। अभी ये क्या होगा ना, इसको ये इतना ही मोस्ट वो है ना, जहर वो निकल जाएगा। ये हींग का पानी है। अभी ये कैसे बनाते हो आप? ये हींग लेते हैं, डाल देते हैं, और इसका एक्वा का वाटर पानी मिला देते हैं। अच्छा, ज़रा सा ये यही डालेंगे बस। अच्छा, और ये जीरा है? ये जीरा है, ये हींग है। ठीक है, ये जीरा डाल दिया। ठीक है, ठीक है, हाँ, और ये हींग डाल दिया। ठीक है, गोभी का वैसे भी सीज़न चल रहा है, हाँ, शुरू हो गया है, और इस समय गोभी बहुत महंगी आ रही है, तो इसीलिए बहुत महंगी आ रही है, हाँ, इसीलिए आपसे रेसिपी मैं बनवा रही हूँ। कि पहली बार, पहले सीज़न की फर्स्ट रेसिपी गोभी की जो है वो बहुत ही ट्रेडिशनल होनी चाहिए। जबर डाल देंगे प्याज, प्याज का ये हाफ है, आधा प्याज, मीडियम साइज का आधा प्याज, आधा है। इसमें तो अभी से खुशबू आने लगी। बच्चे कहते हैं नानी जय, जैसे भी छुटुर पुटुर उल्टा सीधा करके कर दें, मतलब कुछ तामझाम नहीं करते हैं, सिंपली सीधा सादा बना दिए। सच कहते हैं, अभी आपने जस्ट प्याज डाली और इतनी खुशबू आ रही है, मेरे मुंह में पानी अभी से आने लगा, मैं सब्जी बनने तक कंट्रोल कैसे करूंगी। बस ऐसे ही थोड़ा सा हम कर देते हैं, हाँ, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा स्पाइसी बन बनाते नहीं है, क्योंकि हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता ज़्यादा स्पाइसी। और वैसे भी मेरे को ऐसे ही सिंपल में टेस्ट आता है, ऐसे ही बनाती हूँ अपने हिसाब से। जब हाँ गेस्ट वगैरह आते हैं ना, फिर उनके हिसाब से बनाते हैं। हाँ, वो तो पता है, सब आपकी चिकन के फैन है। मसाला क्या कसम से खाती नहीं हूँ मैं, मगर वो खुशबू की वजह से है ना, पागल पागलपन हो जाता है, पागल होके घूमने लगो, खुशबू की वजह से इतनी खुशबू आती है। हाँ, अभी से इसी में इतनी खुशबू आ रही है। कुछ हाथ की भी बात होती है, नानी भी हमारी बनाती थी, तो हाँ, बतवत्ता वो ऐसे ही कुचल कुचलू के क्या कर देती थी, और कितनी जबरदस्त खुशबू है ना, उनके जैसे कोई बना नहीं सकता। मैंने तो कभी खाई नहीं ना, मैं तो बहुत छोटी थी, मीडियम पे थोड़ा नहीं करेंगे, छोटी थी मैं तो बहुत,
कूटा था ना हमने ये, ये अदरक और लहसुन, अदरक लहसुन और प्याज, वो हरी मिर्च, हरी मिर्च एक हरी मिर्च अदरक और ये अभी डाल देंगे। ये जिसको डालते ही है ना हम, ये गोभी डाल देते हैं तुरंत तुरंत। हाँ आपने गोभी भी बड़ा बड़ा काटा है। हाँ और 10-7 में डंडियाँ भी काट ली हैं। हाँ ये इनमें स्वाद आता है कि जब जब तक गोभी छोटी रहती है ना तो उसमें स्वाद आता है। हमें हम मीडियम लो करते हैं। हाँ वो जो है ना हम लोग जो डंडियाँ फेंक देते हैं, नहीं डंडी नहीं फेंका करो, हम तो डंठल भी छील के खाली खाली डंठल की सब्जी भी बनती है। हाँ बहुत ही बेहतरीन बनती है। नहीं ये स्टेम तो डालती हूँ मगर बाद बाकी का जो गोभी के साथ डंडियाँ होती हैं ना वो आपने वो भी डाली हुई हैं। हाँ हम इसी पर है ना हम आलू डाल देंगे। आलू डाल देंगे, ये दो साबुत मिर्च ली है। अच्छा। ये और डाल देंगे ठीक है। और ये आलू इसी से मैं डाल देंगे। आलू भी आपने टेढ़े मेढ़े से काटे हैं। हाँ और हमने छिलका छिलका भी पूरा नहीं पूरा नहीं काटते हम क्योंकि इससे स्वाद रहता है। कभी देखना है फाइबर भी होता है इसमें, काफ़ी फाइबर होता है। ये नमक डाल देना जैसे अपना जिस तरह से आप खाते हैं स्वाद अनुसार तेज खाते हैं, कई लोग कम खाते हैं तो हम अपने हिसाब से डाल रहे हैं। क्या आप मिर्च कम खाते हो? हाँ मिर्च हम बहुत कम खाते हैं। यही पर है ना हम जो भी डालना चाहेंगे मसाले डाल देंगे। सबसे पहले थोड़ी ऐसी हल्दी डालेंगे ठीक है। थोड़ी हल्दी डाल दें और थोड़ा सा 2-4 साबुत धनिया डाल देंगे ठीक है। ये अच्छा साबुत धनिया। हाँ साबुत धनिया इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा कितना 2-4 डाला है? 2-4 हाँ अभी है ना। हाँ छोटा वाला स्पून जो है ना इतना धनिया डाला साबुत। हाँ अभी छोटा स्पून जो है ना ये कुटा हुआ, कुटा हुआ कुटा हुआ ये हम घर में ही बनाते हैं। हाँ। और कुटा हुआ पसंद करते हैं, पिसा हुआ नहीं। हाँ। तो कुटा हुआ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं भी आप और थोड़े डालें तो। हाँ वैसे तो है ना इसमें हम क्या करते हैं ना। हाँ। हम चिल्ली फ्लेक्स डालते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। अभी क्या है ना अभी मेरे पास राइट नाउ है नहीं है चिल्ली फ्लेक्स, तो मैं कुटी हुई मिर्ची थोड़ी सी डाल दूंगी क्योंकि ये मुझे खानी है सब्जी इसलिए इसमें। नहीं तो मत डालो आप। नहीं बहुत कम डालूंगी, डालूंगी मेरे बहुत कम डालूंगी क्योंकि डाल चुकी है ना मैं साबुत लाल मिर्च डाल देते ही कल। आगे इसमें पड़ी हुई है ना मिर्च हरी। हाँ, हरी मिर्च और एक सामान उसमें लहसुन में भी कूट दिया था। हाँ वही तो ना बहुत दिखी हो जाएंगी फिर आप कैसे खा पाओगे। अच्छा धनिया यहाँ हम तोड़ के डाल देंगे। अच्छा ठीक है तोड़ के डालेंगे। तोड़ के ठीक है। तोड़ने में और काटने में, तोड़ने में और काटने में बहुत फर्क होता है। हाँ। तोड़ की चीज़ डालो। हाँ। तो उसमें बहुत अंतर होता है क्योंकि काटने से है ना उसके जो है मॉलिक्यूल्स है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ और तोड़ने से और तोड़ के सब्जी बनाओ उसका स्वाद अलग होता है और काट के बनाओ उसका अलग होता है। आपके हाथों में इतनी धनिया की खुशबू आ रही है। जब खा के देखो। हाँ खा के देखो। अरे खुशबू ये इतनी आ रही है कि मैं क्या करूँ। खाके तो मुझे अभी आधा भी नहीं पता। जबरदस्त नमक सही परफेक्ट। नमक परफेक्ट परफेक्ट क्या बताऊँ। अभी बच्चों को बताऊँगी नानी ने सब्जी बनाई थी कसम से वहीं से बारूद बम गोले सब चल जाएंगे। बेबो तो बहुत लड़ेगी, गुनगुन बहुत लड़ेगी। हमारे पास हमारे लिए नहीं बनाती है, मम्मी के लिए बनाती है। मम्मा बहुत ज़्यादा बनाती है उन्हें पता नहीं ठीक है। अभी थोड़ा सा पानी डालें, कढ़ाई है ना इसलिए। हाँ ठीक। अब ये इसमें पक जाएगा इतने। ओके ओके। हाँ तो मैं वही बता रही थी मिनट से ठीक है। देखते हैं कि अभी कितना है। हो गई थोड़ा सा डालेंगे ये बम। हाँ। खुशबू इतनी आ रही है बहुत हो जाएगा इतना भी। थोड़ा धनिया भी डाल देंगे। जबरदस्त धनिया तो जितना भी खाओगे इसमें विटामिन सी होता है ना। हाँ। तो ये फायदा ही फायदा करता है स्किन के लिए तो बहुत ही बेस्ट होता है। कई लोग तो धनिया की भुर्जी बना के खाएंगे जब धनिया ज्यादा ना आने लगेगा ना
तो धनिया की भुर्जी बनाओ और आलू के साथ भी धनिया की भुर्जी बनती है। आलू के साथ भी बनती है सर। धनिया अब हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, सब आपकी गोभी आलू की सब्जी बनके जबरदस्त वाली सब्जी तैयार। सुपर। ठीक है, खाना ये देखिए गाइस, ये मेरी मम्मी के हाथ की गोभी आलू है जो देखने में ही इतनी टेम्पटिंग है, तो खाने में आप हिसाब लगा सकते हैं कि क्या मज़ेदार हो। ये है मम्मी के हाथ की बनी हुई इस सीज़न की पहली गोभी आलू, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए।